तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली अरशद वारसी की आ चुकी लाजवाब शानदार जबरदस्त बेहतरीन वेब सीरीज असुर के पार्ट टू को, मेरे भाई असुर के पार्ट टू को, क्योंकि भैया इस वेब सीरीज को देखने के लिए मुझे 6.5 घंटे खर्च करने पड़े हैं मेरे भाई, 6.5 घंटे, यानी भैया कुल मिलाकर इस बार भी असुर के पार्ट टू में 8 एपिसोड हैं और भाई 8 के 8 एपिसोड इतने जबरदस्त हैं कि भैया आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे 6.5 घंटे बीत गए मेरे भाई। यानी कि भैया पहला और आखिरी एपिसोड जो है इस वेब सीरीज का वो लगभग 1-1 घंटे का है और उसके बाद भैया बाकी के जितने भी एपिसोड हैं वो लगभग 45 मिनट के हैं, यानी भैया कुल मिलाकर 6.5 घंटे इस बेहतरीन लाजवाब जबरदस्त वेब सीरीज को देखने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा भाई। तो कैसा है असुर का पार्ट टू, क्या है इसकी कहानी, क्या इस बार कलयुग अपने अंत तक पहुंच पाया है, ये सारी जानकारियां अब मैं रखूंगा आपके सामने। तो दोस्तों बने रहिएगा असुर के पार्ट टू के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने असुर के पार्ट टू के रिएक्शन को रखूं, भैया उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भाई इस लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन वेब सीरीज के राइटर डायरेक्टर कौन है और इसमें नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों इस वेब सीरीज के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है ओनी सेन, जिन्होंने भी है इसको डायरेक्ट किया है। उसके बाद इसके जो राइटर हैं वो हैं सौरभ शुक्ला, अभिजीत सुमन और सूरज ज्ञानानी। तो भाई ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज के राइटर डायरेक्टर की, अब चलिए लोग बात करते भैया इस वेब सीरीज के कलाकारों की। तो दोस्तों इसमें नजर आ रहे हैं हमारे शॉर्ट सर्किट भाई यानी कि भैया अरशद वारसी, वरुण सोबती, श्रुति डोगरा, अनुप्रिया गोयंका, अमेय वाघ, विशेष बंसल, अर्थव विश्वकर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा, यानी कि भैया ये वो मुख्य कलाकार हैं जो कि भैया इस वेब सीरीज के मेन धुरी है। तो भाई ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज के मुख्य कलाकारों की, अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस वेब सीरीज की कहानी की। तो भाई देखिए ऐसा है कि भैया इस वेब सीरीज को देखने के लिए मैंने 6.5 घंटे खर्च किए हैं तो मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि भाई वेब सीरीज की कहानी इतनी जबरदस्त है, इसका मेकिंग इतना जबरदस्त है कि भैया इसका जुड़ा हुआ अगर मैं थोड़ा सा भी स्पॉइलर अगर आप लोग को दे दूंगा ना तो आप यही बात करोगे भैया पूरा मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन नहीं, मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को जरूर दूंगा कि भैया इस बार आपको असुर के पार्ट टू में क्या देखने को मिलेगा। तो भाई इस बार असुर टू की जो कहानी है ना वो कली और कल्कि के युद्ध को आधार बनाकर तैयार किया गया है, यानी भैया इस बार के पार्ट टू में आपको ये कहानी देखने को मिलेगी कि भाई पिता हंता जो बालक है ना वो अब किशोरावस्था से बढ़कर बड़ा हो चुका है, वो अपनी वाणी के आकर्षण का जाल साधारण मनुष्यों से लेकर विज्ञान के प्रकांड पंडितों के ऊपर छोड़ता जा रहा है, जिसकी मदद से वो AI के एक प्रोफेसर का सहायक बनने में कामयाब हो गया है, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी का सर्वर हैक करके उसके यूजर्स का ढेर सारा डाटा चुराने में कामयाब हो गया है। इसी वजह से जो लोग भी अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने टैब के सामने भैया हमेशा रहते हैं वो उसके कब्जे में आ चुके हैं, यानी कि भैया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता जा रहा है, यानी कि भैया किस तरीके से वो कलयुग को बहुत जल्दी ही अपने करीब लेकर आएगा ताकि कलयुग का समापन करने के लिए भगवान विष्णु जो है वो अवतरित हो धरती पर। तो भाई इतनी ही कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। इससे ज्यादा अगर मैंने आप लोगों को कहानी बता दी तो भैया आप लोग यही बात कहोगे ना कि भैया पूरा का पूरा स्पॉइलर दे दिया मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में कहानी बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ये बात मैं आप लोग से जरूर करना चाहूंगा भैया पहले पार्ट की तरह नहीं मेरे भाई, कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था ना कि कहानी जो है वो भटक रही है मुद्दे से हटकर, यानी भैया इसमें इस वक्त के सिनेरियो को भी डालने की कोशिश की गई है कि भाई इस वक्त समाज में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि भाई राइटर जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक गए थे, यानी कि ट्रैक से हट गए थे, लेकिन इतना भी नहीं हटे थे कि हम ये बात आप लोगों से कहें कि भैया कहानी पूरी तरह से भटक गई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही जबरदस्त है इस बार का एडिशन भी और भाई इसमें जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और उसके साथ भाई जब आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन हो
तो भैया आपका डायरेक्शन भी बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम ये बात कह सके कि जो कहानी आपको दी गई है आप उसका एग्जीक्यूशन करने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। तो भाई एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट भी बहुत जबरदस्त है, स्टोरी लाइन वाला डिपार्टमेंट भी बहुत जबरदस्त है, स्क्रीन प्ले भी बहुत ही जबरदस्त है, और संवाद भाई डायलॉग एक से बढ़कर एक, भैया दिल को छूने वाले डायलॉग, दिल को छूने वाले डायलॉग। जब आप इसके डायलॉग्स को सुनोगे, पार्ट वन में तो हमने वो चमत्कार देखा था मेरे भाई, वही चमत्कार पार्ट टू में भी हमें देखने मिला है, जिसकी वजह से ये वेब सीरीज इतना कनेक्टिंग है कि भाई 6.5 घंटे कब बीते ये बात पता ही नहीं चला। और उसके बाद भाई डायरेक्शन की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, तो भैया जो कहानी मिली है ना भाई इस वेब सीरीज के डायरेक्टर को, उन्होंने भैया उस कहानी के साथ में पूरी तरह से भैया ईमानदारी दिखाया, जिसकी वजह से इस बार का पार्ट भी बहुत ही जबरदस्त बन के आया है। तो दोस्तों वाकई में जबरदस्त है अश्रु 2 का ये एडिशन भी। तो भाई अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं इसको कितना स्टार दूंगा, तो भाई मैं 5 में इसको 10 स्टार दूंगा मेरे भाई, 10 स्टार। 6.5 घंटे पते नहीं मेरे भाई, पता ही नहीं चला। तो भाई देखो आप लोग भी, फ्री में देखने को मिलेगा मेरे भाई, फ्री में जियो स्टूडियो पर है, जाओ जाकर देख लो, और उसके बाद अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ कि भैया आपको असुर के पार्ट 2 का ये एडिशन कैसा लगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण एक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।